नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनसेटम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एनसेटम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एनसेटम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एनसेटम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एनसेटम एक ब्रांड नेम है। एनसेटम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन पैरासिटाम होता है। एनसेटम टैबलेट 400 mg व 800 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एनसेटम टैबलेट दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और दिमाग की नर्व सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। एनसेटम टैबलेट का उपयोग दिमाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। एनसेटम टैबलेट का उपयोग सिर में कोई चोट लगने पर, अल्जाइमर डिजीज होने पर, लकवा लगने पर, दिमाग की याददाश्त कमजोर होने पर, डिप्रेशन होने पर और पार्किंसंस डिजीज होने पर एनसेटम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। पार्किंसंस डिजीज होने पर हाथों या पैरों का अपने आप हिलना, हाथों या पैरों में कंपन होना, हाथों व पैरों की गति धीमी होना, खड़े होने में कठिनाई होना, शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी होना, चबाने, निगलने या बोलने में परेशानी होना और मांसपेशियों में अकड़न होना आदि लक्षण पार्किंसंस डिजीज होने पर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एनसेटम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एनसेटम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, सिरदर्द होना, उल्टी आने का मन होना, शरीर में थकान होना, नींद न आना, दस्त होना, पेट में बेचैनी होना, पेट दर्द होना, आँखों में धुंधलापन होना, दिल की धड़कन का कम या तेज होना, ब्लड प्रेशर कम होना और त्वचा पर रैशेस होना आदि साइड इफेक्ट्स एनसेटम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनसेटम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एनसेटम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एनसेटम 800 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। एनसेटम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एनसेटम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनसेटम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और सेरिब्रल हेमरेज होने पर यानी दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने पर एनसेटम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना एनसेटम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि एनसेटम टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एनसेटम टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एनसेटम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एनसेटम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।